नमस्कार दोस्तों, इंस्टेंट खबर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सीटीएस फैमिली संस्था ने बच्चों को समर्पित कार्यक्रम बचपन का आयोजन बाराबंकी ज़िले के प्राथमिक विद्यालय इचौलिया में किया। बचपन कार्यक्रम के तहत प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने नृत्य, गायन, कला, कविता पाठ में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों ने कार्यक्रम में आए अतिथियों के लिए स्वागत गीत गाए। रंजना, सविता, रोली, दिव्यांशी और शिवांशी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। लखनऊ की बाल कलाकार अध्यांशी कपूर, प्रख्या सिंह और यति सिंह ने नृत्य गीतों पर प्रस्तुति दी। वैभव अनुरागी ने जमुना तट पर कृष्ण कन्हैया खेलत गीत का गायन किया। कार्यक्रम का संचालन सोशल एक्टिविस्ट ब्रजेंद्र बहादुर मौर्य के द्वारा किया गया। वहीं अंजलि पांडे ने सभी बच्चों को उपहार वितरित किए। सीटीएस के को फाउंडर प्रेसिडेंट मनोज कुमार और मीडिया प्रभारी अंजलि पांडे ने बताया कि बचपन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के साथ शैक्षिक मनोरंजन हेतु सांस्कृतिक एवं शैक्षिक गतिविधियों से बच्चों को पढ़ाई के प्रति आकर्षित करने का लक्ष्य बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगे विद्यालय में पढ़ने वाले एवं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना को जागृत करना है। ग्रामीण बच्चों को समर्पित इस कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय इचौलिया की प्रधानाचार्य अर्चना श्रीवास्तव, सर्वेश कुमारी, नमिता जायसवाल, रिंकी यादव, रिंका यादव और सुनीता को संस्था के पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। मौके पर ग्राम प्रधान कमलेश वर्मा का भी सम्मान किया गया और विद्यालय में विकास कार्यों के प्रति उन्हें प्रेरित भी किया गया। Yeah।